हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत यम्मी डिलीशियस रेसिपी बताने वाली हूँ, मटर की करी, जो कि हम विंटर में बनाते हैं, क्योंकि मटर हमको विंटर में तो मिलती है, ये विंटर में मटर का सीजन होता है, तो ज़्यादातर ये सर्दियों में ही बनाई जाती हैं। तो ये रेसिपी बहुत यम्मी और डिलीशियस है, बहुत अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपका कढ़ी खाने का मन करे तो मटर की कढ़ी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मटर की कढ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी मटर की कढ़ी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ये मटर ली हुई है, तो देखिए ये हमने मटर ले ली है एक कटोरी, और मैंने ये एक कटोरी दही लिया हुआ है, तो और ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली हुई है, कुछ ये 5 से 6 मिर्ची हैं हरी, और ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है। तो चलिए पहले तो हम अपनी बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम अपना ये बेसन डालेंगे, घी डालेंगे, दही डालेंगे हम अपना। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपना दही ले लिया बाउल में, और उसे मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ, और मैं ये बेसन इसमें डाल देती हूँ। हम बेसन को भी मिक्स कर लेंगे इसमें, और थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और हम इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारी कढ़ी के बैटर में लम्स ना पड़े। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे तो लम्स नहीं पड़ेंगे। ये देखिए एक भी लम्स नहीं दिखाई दे रहा है हमारा। अब हम थोड़ा पानी और डाल लेंगे, इसको पतला बैटर तैयार करना है हमको कढ़ी के लिए, क्योंकि बेसन हमारा जब पकने पे आता है तो फूलता है। ये देखिए एक भी लम्स नहीं पड़ा है इसमें, एक भी लम्स नहीं है। अब हमको जो हमने मटर ली थी उनको मिक्सी में डाल के उनको पीस लेनी है। ये देखिए हमारी मटर पीस के तैयार हो गई है। तो हमारी कढ़ी तो तैयार हो गई है, बैटर तो हमारा तैयार है, और इसमें हम अपनी ये जो हमने मटर पीसी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमको मिक्स कर लेना है इसमें। चलिए हमारा कढ़ी का बैटर तो तैयार हो गया है। तो हमारा बैटर तो तैयार हो गया है, अब हम अपनी गैस भी ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम पानी डाल दिया, इसमें हम तेल। चलिए हमारी कढ़ाई तो गर्म हो गई है, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसको ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डालेंगे। ये छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, और ये छोटी चम्मच हम डालेंगे मेथी दाना। कढ़ी का मेथी दाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और अभी हम इनको पकने देते हैं ताकि हमारा मेथी दाना थोड़ा सा ऑयल में फ्राई हो जाए। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ते, अब डालेंगे हरी मिर्च, हम भून लेते हैं। अब डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक, हम वो डालेंगे, और इसको हम छोटे करेंगे। हम डालेंगे हींग थोड़ी सी, ये छोटी 1/2 चम्मच हींग डाली है मैंने,
और इसको हम भूंज लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी प्याज भूंज गई है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे इसमें हम अपनी लाल मिर्च। ये कड़ी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब डालेंगे हम, ये मैंने कुछ हरी मटर और ली हुई है, आधी कटोरी से थोड़ी सी है, तो इसको हम मसाले में भून लेंगे। अब हम डालेंगे हमारी जो हमने बैटर तैयार किया था कड़ी का, वो डालेंगे इसमें। और इसको हम चलाएंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा हमारी कड़ी में उसके बाद ही हम नमक डालेंगे, नहीं तो हमारी कड़ी का जो दही होता है वो फटने लगता है, कड़ी भी फटी फटी सी लगने लगती है। तो इसमें हम उबाल आने तक कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। एक मिनट, एक पल के लिए भी हमको चमचा छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। देखिए हम कंटिन्यू इसको चला रहे हैं, जब तक हमारी कड़ी में उबाल नहीं आ जाता तब तक हमको इसको चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कड़ी में उबाल आ गया है। हम अपनी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम कर देंगे हम इसकी, और इस पे हम इसको पकने देंगे। धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे अपनी कड़ी को। ये देखिए अब हम डालेंगे अपनी कड़ी में सॉल्ट, क्योंकि अब हमारी कड़ी में उबाल आ गया है, तो सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और इसको मिक्स कर दो और अब हम इसे पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कड़ी एकदम से अच्छी बन गई है और पक भी गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया हमारी कड़ी का। तो चलिए हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने तड़के के लिए कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, और इसको हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, अब हम डालेंगे ये हमारा कड़ी पत्ता है, इसको हम छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं। अब हम डालेंगे लहसुन की कलियां, जिनको मैंने बारीक बारीक ये पतली पतली स्लाइस में मैंने इनको काट लिया है। आप चाहें तो छोटे पीस भी कर सकते हैं। और हम इसको फ्राई होने देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें हमारी थोड़ी सी हींग, 1/4 छोटी स्पून, और इसको हम करेंगे मिक्स। लहसुन हमारा पकना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमारा लहसुन भुन गया। अब हम गैस बंद कर देंगे अपना। अब हम डालेंगे इसमें हमारी कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए, और जल्दी से हम इसमें बघार लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो देखिए हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई है और ये लहसुन के बघार की स्मेल बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी मटर की कढ़ी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ी की प्लेटिंग भी मैंने कर ली है, बहुत यम्मी लग रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है हमारी कढ़ी का। तो ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ी बनी है हमारी, मटर की कढ़ी। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा।